राजनीतिक दलों को शामिल करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो स्वीकार होगा सभी राजनीतिक दलों को, कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं, और अगर जीत मिलती है या आगे बढ़ते हैं तो बाद में आने वाले समय में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं? जनेंद्र जी अनम्यूट कर लें। जनेंद्र जी नहीं, शुभेंदु भाई आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चुनावों से पूर्व गठबंधन हो रहा है, ये कोई महाराष्ट्र वाला गठबंधन नहीं है शिवसेना और भाजपा का कि आगे जाके दिक्कतें उत्पन्न हो गई और दोनों पार्टियां ही अलग हो गई जो पिछले 20 25 28 साल से एक साथ थी। यहाँ पे दूसरी चीज देखने वाली ये है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे किए, उसमें से कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से पूरा किया हो। चाहे इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया हो, गड्ढे आज भी हैं, गड्ढे 4 साल पहले भी थे, और बल्कि आज की डेट में आप जो नई सड़क देखेंगे, जो नई सड़क भी बनी है, चाहे ग्राम सड़क हो चाहे राज्य सरकार की सड़क हो, उनमें सभी में गड्ढे। मैं जो केंद्र सरकार द्वारा जो नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, इन्होंने बालिकाओं की और लड़कियों की सुरक्षा की बात की, रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की, शुरू के 2 महीने के बाद वो कहां गायब हो गई भगवान जाने, जैसे गधे के सिर से सींग। इन्होंने बात की किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, उनकी जो लागत है वो दोगुनी हो गई है और आय आधी रह गई है। इन्होंने बात की कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो कितने युवाओं को 4-4.5 साल बाद भी योगी जी ये कहते हैं 4.5 लाख को रोजगार दिया है, और मैं बार बार ये बता चुका हूँ वो 4.5 लाख को रोजगार नहीं दिया है, वो केवल आंकड़ों में हेर फेर किया गया है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि 1 लाख जो 1,37,000 शिक्षक जो हाई कोर्ट के कहने पर अलग बर्खास्त किए गए थे, उन्हीं पदों को हाई कोर्ट के कहने पर ही दोबारा भरा गया है।